हाँ हेलो, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सेवी जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। 38वीं जो बिहार का बीपीएससी का एग्जाम है प्रीलिम्स, उसका कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। सामान्य ज्ञान प्रीलिम्स वाला जो क्वेश्चन है, व्याख्या सहित व्याख्या अपने बस हमने से दोस्त थोड़ा क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगर पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन, गंधार कला की गंधार शैली निम्न में से निम्न समय में फली फूली है, कौन सा? तो कुषाणों के समय। आगे है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी कहाँ? श्री रंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्री रंगपट्टनम में। ये ऑप्शन सही होगा। आगे है कि जंतर मंत्र का निर्माण कहाँ गया कहाँ था? तो महाराजा जयसिंह ने करवाए थे। आगे है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था तो कब गया किया गया था? तो 1877 में। आगे है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। आगे है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आए थे? तो कब आए थे ये भारत कब आए थे? तो 1928 में आए थे। आगे क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। वंदे मातरम गीत रचनाकार थे कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नलिखित राज्य भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध है? तो कहाँ पे? पंजाब में। आगे क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में। आगे, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार। आगे आप क्वेश्चन है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है तो क्या होगा? 5/1/2। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आगे है, निकोलस कार्पनियस प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। ऑप्शन बी सही है। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या असम में। तो मुंडा जनजाति बिहार में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। आगे है कि लक्षद्वीप टीपू अवस्थित है तो कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भारत में। आगे है, गोभी का मरुस्थल है तो गोभी का मरुस्थल चीन में है, कहाँ पे? चीन में। आगे क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य? तो कौन सा ऑप्शन सही? लगभग 80 डिग्री से लेकर 88 डिग्री पूर्व है। आगे क्वेश्चन है कि सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? पेरिस से होकर। आगे है कि स्वेज नहर जुड़ती है किससे? भूमध्य लाल सागर से। कहाँ से? भूमध्य लाल सागर से जुड़ती है। ओजोन परत बताता है क्या? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल की परत यह बताता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। आगे कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसमें की स्पैंटो है, क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा। आगे कह रहा है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो क्या ऑप्शन सही होगा? बी कह रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। आगे है कि क्वेश्चन कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो
राज्यसभा को इससे अधिक से अधिक रोक सकती है तो 14 दिन के लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो इसका 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन है, गुवाहाटी और महाराष्ट्र दोनों कह रहा है। आगे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति प्रदान करता है, इसका भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या इसमें हो सकता है। आगे कह रहा है कि 1992 से लेकर 93 वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग कितने है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी 5000 करोड़ रुपये। आगे कह रहा है कि सरकारी के पंचायती राज्य प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें से सभी सही होंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो बस बलवंत राय मेहता। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, इसमें 35वें संशोधन को बताया गया है, तो एक बार आप लोग भी इसको कंफर्म हो जाइएगा सर्च कर। आगे क्वेश्चन, एक पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन है चतुर्थ 1966 से लेके 71 तक। आगे है क्वेश्चन कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, अप्रत्यक्ष कर। आगे है पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लगभग है, तो 8 मिनट और 16 सेकेंड। आगे क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किससे मिला, लोहा और क्रोमियम का मिलावट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टील की धातु रचना इसके लोहे और क्रोमियम निकल। आगे क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो पानी में चीनी का घुलना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कतब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो कौन सी प्रतिक्रिया नहीं है, तो एल्युमिनियम की नहीं होती है, बस रासायनिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है, इसको अधिक तापमान में और बॉयल करना और तुरंत ठंडा करना पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया है। एम्फीबिया बताता है क्या, जल एवं स्थल दोनों पर सही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि परमाणु में ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है कौन है, तो एच जे भाभा।